हेलो फ्रेंड्स, तो एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है नागपुर यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुई थी ड्यू टू के टेक्निकल इश्यूज़ या फिर जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनकी री एग्ज़ाम होने वाली है। इसके अलावा कल की एग्ज़ाम कैसे हुई, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, वो भी मैं आपको इस आर्टिकल में बताता हूँ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना गाइस, ताकि आपको पता चले कि जो री एग्ज़ाम होने वाली है वो कौन से स्कोर्स की होने वाली है। नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हमारी भी एग्ज़ाम होने वाली है या नहीं होने वाली है, क्योंकि एक ही स्पेसिफिक कोर्स है जिसकी डेट्स अभी मतलब सामने आई है, उसकी री एग्ज़ाम होने वाली है। बाकी की जो री एग्ज़ाम होगी जो अलग अलग कोर्सेज की, उनकी भी डेट्स हमें जल्दी ही पता चल जाएगी, तो उसका भी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल की जो एग्ज़ाम है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से कोर्स की री एग्ज़ाम होने वाली है और वो एग्ज़ाम कब होने वाली है। तो देखिए गाइज, इन अ बिग रिस्पेक्ट ऑफ 3000 फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, नागपुर यूनिवर्सिटी विल कंडक्टिंग देयर री एग्जामिनेशन ऑन संडे। तो 3000 स्टूडेंट्स की री एग्ज़ाम होने वाली है संडे को, ये आने वाले संडे को। ऑल ऑफ देम हैड मिस देयर MCQ टेस्ट ड्यू टू द टेक्निकल स्नैक एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू परीक्षा ऐप ऑन फर्स्ट टू डेज ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। तो जिनकी भी एग्ज़ाम फर्स्ट टू डेज को नहीं हुई ड्यू टू टेक्निकल इशूज़, तो उनकी एग्ज़ाम होने वाली है संडे को। On Tuesday, students continued to face the problems with the despite tall claims by Nagpur University officials that it would work in remote areas where connectivity is low. Over 700 appearing BA exam faced problems in language sections. तो देखिए गाइस, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी ने बोला था कि हमारी जो एग्ज़ाम ऐप है वो गांव कहीं पे भी चलेगी, जहाँ पे स्लो नेट होगा वो भी वहाँ पे भी चलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा कल जिनके भी स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम थी, खासकर जो BA से थे, तो उनका लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। जैसे उनकी मराठी में पेपर होगा तो उनको इंग्लिश में पेपर दिख रहे थे, तो ऐसा यहाँ पे भी बताया गया है। तो इसका जो प्रॉब्लम है वो यही था कि जो डॉक्टर प्रबुल साबले ने आंसर दिया कि जो हमने गाइडलाइंस दिए थे कि कैसे लैंग्वेज को चेंज करना, वो फॉलो किए नहीं गए। तो जब प्रिंसिपल्स के वगैरह फ़ोन आए तो उनको हमने जब बताया, तब वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनको जो पेपर है वो इंग्लिश में ही देना पड़ा, तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। फिर इसके बाद कन्फर्मिंग द न्यूज़ ऑफ री एग्ज़ाम, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूशन प्रबुल साबले टोल्ड दैट ओनली एग्जामिनेशन ऑफ BSc स्टूडेंट्स वुड बी कंडक्टेड ऑन अक्टूबर 18। तो देखिए गाइज, जो BSc के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एग्ज़ाम नहीं हो पाई ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज़ या फिर टेक्निकल ग्लीचेस, उनकी एग्ज़ाम 18th of October को होने वाली है। बाकी सबकी नहीं होने वाली है, बस जो BSc कोर्स के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम 18th October को होने वाली है। बाकी कोर्सेज की जो भी एग्ज़ाम बची होगी या फिर नहीं दे पाए होगे स्टूडेंट्स ड्यू टू सम टेक्निकल इशूज़, तो उनकी भी डेट्स जल्दी ही रिलीज़ हो जाएगी। It will be held in two shifts and their quantum is more. We will officially issue a notification in this regard on Wednesday. तो गाइज, आज इस पर एक ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा अपनी RTMNU वेबसाइट पे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो री एग्ज़ाम है वो कन्फर्म 18th of October को होने वाली है। तो इसका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको गाइज अपडेट कर दूंगा। The university has also decided to reconduct the papers of students from other faculties who miss examination due to app server connectivity or other problems. We will declare their dates soon. तो जिनकी एग्ज़ाम और भी बचे अदर देन BSc स्टूडेंट्स, तो उनके भी जो डेट्स है गाइज वो भी जल्दी मिल जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको इसके लिए अपडेट कर दूंगा। इसके बाद इस आर्टिकल में वही बताया गया कि कल जो जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस हुए तो उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। गाइज मैंने वो इंस्ट्रक्शन का वीडियो भी डाल दिया, तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देखिए, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे कैसे हमें लैंग्वेज मीडियम वगैरह चेंज करना है, अपडेट करने के टाइम पर क्या ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको ज़रूर देख लेना। इसके अलावा इस पे अगर कोई भी अपडेट आता है या फिर जो ऑफिशियल नोटिस है री एग्जामिनेशन पे वो आता है, तो मैं ज़रूर मेरे वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।